360 वीकली हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप और मैं हूँ नैना। अगले चंद मिनटों में हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ है खास। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा डिजिटल पेमेंट और डिजिटल वॉलेट को हुआ है। एक तरफ पेटीएम और मोबीक्विक जैसे प्लेटफॉर्म हर दिन कुछ नए फीचर और नई सुविधाओं के साथ आ रहे हैं, वहीं सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की मंशा से डिजिटल पेमेंट पर कई तरह की छूट के ऐलान किए हैं। RBI ने कहा है कि 2000 रुपए के पेमेंट पर अब OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि फैसला बैंकों का होगा। जो भी यात्री अब ऑनलाइन रेल टिकट खरीदेंगे उन्हें 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मुफ्त मिलेगा। वहीं कार्ड और कैशलेस भुगतान करने पर पेट्रोल और डीजल की कीमत पर 0.75% की छूट मिलेगी। इसके अलावा सार्वजनिक कंपनियों की वेबसाइट से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने या प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन करने पर 8% की छूट दी जाएगी। इसी तरह साधारण बीमा पॉलिसी खरीदने या प्रीमियम ऑनलाइन भुगतान करने पर 10% की छूट मिलेगी। दूसरी तरफ टेलीकॉम की दुनिया में वाकई में हैप्पी न्यू ईयर आ गया है। रिलायंस जियो ने कुछ दिन पहले ही मुफ्त वॉइस कॉल और अनलिमिटेड इंटरनेट का ऑफर मार्च 2017 तक बढ़ाने का फैसला किया था। अब ऐसे में दूसरी टेलीकॉम कंपनियां कैसे पीछे रहती। एयरटेल ने दो नए पैक पेश किए हैं। 345 रुपए वाले पैक की बात करें तो इसमें किसी भी नेटवर्क पर मुफ्त लोकल वॉइस वीडियो कॉल मिलेगा। इसके अलावा 4G मोबाइल फोन यूजर को 1GB डेटा भी मिलेगा। वहीं 145 रुपए वाले पैक में एयरटेल टू एयरटेल मुफ्त लोकल वॉइस वीडियो कॉल मिलेगा। वहीं अगर आपके पास 4G मोबाइल फोन है तो 300 MB डेटा भी फ्री मिलेगा। वोडाफोन ने दो किस्म के पैक पेश किए हैं, एक 4G डेटा से संबंधित है, दूसरा मुफ्त वॉइस कॉल से। 4G डेटा की बात करें तो कंपनी ने इसे डबल डेटा ऑफर का नाम दिया है और ये सिर्फ 255 रुपए से ऊपर के रिचार्ज पर काम करेगा। कंपनी कह रही है कि प्रभावी तौर पे आपको 50% का फायदा होने वाला है, जैसे कि 255 रुपए के रिचार्ज पर अब आपको 1GB की जगह 2GB डेटा मिलेगा, 459 रुपए के रिचार्ज पर 6GB डेटा और 999 रुपए के प्लान में 20GB डेटा और आखिर में 1999 रुपए के प्लान में 40GB 4G डेटा। लेकिन सभी प्लान को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ पेश किया गया है। और टॉक टाइम वाले ऑफर की बात करें तो इसका भी पैक एयरटेल जैसा ही है। 144 रुपए में आपको वोडाफोन नेटवर्क पे अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल मिलता है, 4G फोन है तो 300 MB डेटा मिलता है और 344 रुपए के रिचार्ज पर आपको वोडाफोन नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क पे, चाहे लैंडलाइन पे भी कॉल करें, आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा और 4G स्मार्टफोन है तो आपको 1GB डेटा मिलेगा। और सबसे अहम बात कि इन दोनों ही ऑफर में आपके लिए रोमिंग पर कोई चार्ज नहीं है। आइडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। बात करें 148 रुपए वाले पैक की तो आइडिया के नेटवर्क पर मुफ्त लोकल वॉइस एसटीडी कॉल है, इसके अलावा 300 MB डेटा भी मिल रहा है। वहीं 348 रुपए वाले पैक की बात करें तो इसमें किसी भी नेटवर्क पर मुफ्त लोकल व एसटीडी कॉल का ऑफर है। वहीं 4G मोबाइल फोन यूजर को 1GB डेटा मिलेगा। वहीं एयरसेल ने भी कुछ ऐसे ही ऑफर पेश किए हैं और खबर तो ये भी है कि BSNL भी कुछ ऐसे ही ऑफर लाने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं इस हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाले मोबाइल फोन की। आइए जानते हैं इस हफ्ते भारत में क्या कुछ लॉन्च हुआ। Lenovo ने अपने Fab 2 स्मार्टफोन को 11,999 रुपए में लॉन्च किया है। ये एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.4 इंच का HD डिस्प्ले है, 1.3 GHz का क्वाडकोर प्रोसेसर है और साथ में 3GB रैम है। वहीं LG ने हफ्ते की शुरुआत में भारत में अपना महंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन V20 लॉन्च किया। इस स्मार्टफोन की कीमत 54,999 रुपए है और ये एक्सक्लूसिव तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़न इंडिया पर मिलेगा। LG V20 खरीदने वाले ग्राहकों को कंपनी 18,000 रुपए की कीमत वाला मुफ्त B&O Play हेडसेट फ्री दे रही है। इसके फीचर की बात करें तो ये एंड्रॉइड 7.0 नूगा पर चलने वाला पहला स्मार्टफोन है और इसमें 820 प्रोसेसर, 4GB रैम और ये डुअल स्क्रीन और डुअल रियर कैमरे वाला फोन है। वहीं अल्काटेल ने भी इस हफ्ते भारत में अपना आइडल 4 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 16,999 रुपए है और यह फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। अल्काटेल आइडल 4 को भारत में VR हेडसेट के साथ लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें या फिर चीनी बाजार की, वहां पर 4000 mAh वाला Meizu M5 नोट भी लॉन्च किया गया है। इसमें 3GB और 4GB रैम का वेरिएंट है और इसकी कीमत 8,900 रुपए से शुरू होती है। Huawei ने भी चीन में Enjoy 6 का अपग्रेडेड वेरिएंट Enjoy 6S लॉन्च किया है। फोन की कीमत करीब 16,000 रुपए है। इस फोन में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज है। तो ये थी वो खबरें जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते छाई रही।
और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट hi.gadgets360.com पर लॉगिन करें। आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए बटन को लाइक करें और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल youtube.com/gadgets360 को सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज facebook.com/gadgets360hindi को भी लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे ट्विटर से भी जोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको @gadgetshindi को लाइक करना होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी 360 वीकली हिंदी के नए एडिशन के साथ।